नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे अपने सेटअप बॉक्स में रिमोट कैसे पेयर करें और अपने कोई दूसरे सेटअप बॉक्स जो कि हमने सॉफ्टवेयर डाल लिया किसी दूसरे सेटअप बॉक्स का अपने सेटअप बॉक्स में, तो क्या होता है कि कभी कभी रिमोट वर्क नहीं करता है या फ्रंट पैनल वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। आज का वीडियो इसी के ऊपर है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से आप रिमोट अपने सेटअप बॉक्स की फाइल में कैसे पेयर करें और जिससे कि आपका सेटअप बॉक्स वही पुराने रिमोट से चलना चालू हो जाए। तो आपके स्क्रीन के सामने दो फाइल दिख रही होंगी, तो सबसे पहले ऊपर फाइल देख रहे होंगे आप GX6605। तो यहाँ पर ये वाली फाइल आप जानते हैं कि 6363 या 6303 सेट टॉप बॉक्स की फाइल है और ये देख रहे होंगे आप TL6605D। तो ये सेट टॉप बॉक्स हमारा येलो ब्लैक कलर या ग्रीन कलर में प्लास्टिक बॉडी में उपलब्ध है, तो उसमें हमारे ये वाली फर्मवेयर आती है। तो दोनों फर्मवेयर सामने दिख रही होंगी, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आप आपस में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एक दूसरे में तो हमारे रिमोट वर्क नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आज का वीडियो इसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए रिमोट पेयर करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी फर्मवेयर का रिमोट वर्क करा सकते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स में खुद का उसका रिमोट। तो मैं बात करता हूं यहां पर कि ये TL6605D है, तो ये वाले बॉक्स में क्या है कि कुछ इस ऐसा रिमोट आ रहा है जो कि वर्क नहीं करता है और हमें आसानी से मिलता भी नहीं है, जबकि 6363 का ऑनलाइन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, 6GX6605S ऑल वाला फर्मवेयर ले ली हमने और एक फर्मवेयर हमारे ओरिजिनल सेट टॉप बॉक्स की ले ली। मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक का सेट टॉप बॉक्स है जो कि ये आजकल मार्केट में मिल रहा है, जो कि स्काई मीडिया वगैरह मिल रहा है या विजेता बॉक्स में या और भी बहुत सी कंपनियां इस तरीके के बॉक्स दे रही हैं, तो उसमें हम क्या है कि कोई भी फर्मवेयर कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा रिमोट वर्क नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या करें कि आप कोई सी भी फर्मवेयर वर्क कर सके, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास रिमोट है TL6605D का तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी फर्मवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, इसका रिमोट निकाल लीजिए बाहर TL6605D का, और फिर वो जो फर्मवेयर आप अपने सेट टॉप बॉक्स में करना चाहते हैं उस फर्मवेयर में रिमोट पेयर करा दीजिए, जिससे कि आपका और मौजूदा रिमोट काम कर सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे TL6605D जो कि हमारा एक सेट टॉप बॉक्स है और इसमें हम फर्मवेयर करने वाले हैं GX6605 की, जो कि एक दूसरे बॉक्स की है, और ये वाला रिमोट भी अलग है GX6605S का जो सामने आप ऊपर फाइल देख रहे हैं, लेकिन ये वाली फाइल हमें TL वाली में करना है। तो हमें कैसे करें, तो क्योंकि रिमोट अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो रिमोट वर्क नहीं करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि TL6605D जो सेट टॉप बॉक्स है हमारे पास उपलब्ध है, या फिर ए हो आपके पास कोई सा भी मॉडल हो, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि GX का कोई सा भी मॉडल हो, सबसे पहले आप अपने सेट टॉप बॉक्स की डंप फाइल निकालें और उसका रिमोट और फ्रंट पैनल का बैकअप जरूर ले लें, उसी के बाद ही दूसरी फाइल करें, और दूसरी फाइल में भी आप फ्रंट पैनल और रिमोट पेयर करने के बाद ही आप न्यू फर्मवेयर इंस्टॉल करें TL6605। तो सबसे पहले हम TL6605D का रिमोट निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज मैं पेयर करना बता रहा हूँ, तो वीडियो आराम से देखिए और सारी बातें समझ लीजिए। अभी मैंने जितना बताया उतना समझ गए हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे चुका हूँ, तो आपको क्या करना है कि इसको ओपन करना है, जो कि मैं बता चुका था कि टूल बॉक्स ये दिया गया है, तो आपको अनपैक रीपैक करना मैंने बताया था कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसको अनपैक कर लीजिए, तो अनपैक करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास सेट टॉप बॉक्स है जिसकी बैकअप फाइल, वो बैकअप फाइल
को सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी खुद के सेट टॉप बॉक्स की ओरिजिनल बैकअप फाइल। याद रखें, अपने खुद के सेट टॉप बॉक्स की ओरिजिनल फाइल यहाँ पर लेना है सबसे पहले, और उसको करना है अनपैक। अनपैक करने के बाद आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है। अनपैक करने के बाद अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से क्लोज, या फिर बना रहने दें, कोई समस्या नहीं है। आप चले जाइए दोबारा से वहीं पर चले जाइए यहाँ पर, तो हमारे सामने ये एक फोल्डर आ चुका है। तो फोल्डर को हम ओपन करते हैं, तो जैसा कि आपको पता ही है कि छः सात फाइलें जो आती हैं, सात फाइलें तो हमारे सामने आ जाती हैं बिन फाइलें। तो इनको क्या है कि इनको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो निकालने के लिए आपको मैंने बताया ही था कि ये वाला जो न्यू टक्स बॉक्स फ्लैश टूल है, इसको ओपन करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेट कीजिए, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ये TL एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल हमारे सामने उपलब्ध है, और यहाँ से हम ऑल करते हैं और हमें रूट्स फाइल को लेना है। रूट्स फाइल को ले लेंगे तो इसमें हमारे लिए ये इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हमारे लिए रिमोट कौन सा है वो सर्च करने में दिक्कत है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिमोट के लिए आपको क्या करना है कि आपको की मैप फाइल लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, की मैप फाइल ये रही दोस्तों, की मैप फाइल ये रही है दोस्तों। DB फाइल थीम्स के अंदर है की मैप फाइल, तो की मैप फाइल .xml फाइल है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर अपने इसी फोल्डर में। तो यहाँ पर देखिए, हमने की मैप फाइल को इधर से बाहर निकाला तो ये बाहर निकल आई। देख लीजिए दोस्तों, ये 9KB की है, 9KB की XML फाइल है और ये हमने बाहर निकाल ली। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे लिए ये सारे ऑप्शन रीपैक मीपैक कुछ नहीं करना है, केवल एक फाइल निकालने के लिए ये सब कुछ प्रोसेस थी। तो की मैप फाइल हमने निकाल ली। निकालने के बाद ये की मैप फाइल जो हम सॉफ्टवेयर करने वाले, ये की मैप फाइल याद रखें, हमने TL6605D की निकाली है, TL6605D की। अब इस ये वाले सेट टॉप बॉक्स में हमें GX6605 वाला सॉफ्टवेयर जो ऊपर दिया गया है, ये वाला सॉफ्टवेयर हमें करना है। तो सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर में अपनी की मैप फाइल को ऐड करना रहेगा, जिससे कि हमारा रिमोट वर्क कर सके। तो इस फाइल में हम रिमोट कैसे ऐड करें, तो हम फिर चलते हैं वही सॉफ्टवेयर जो कि मैंने आपको दे चुका हूं कि NCIT। तो यहां पर देखिए, NCIT नाम से ये सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको दे चुका हूं, तो उसको आपको ओपन करना है। और ओपन करेंगे तो याद रखें कि यहां पर देख लीजिए, हमें ये वाली फाइल GX6605S अपने सेट टॉप बॉक्स में अपग्रेड करना है। याद रखें, अपग्रेड ये वाली करना है। तो इसी फाइल में हमें अपना रिमोट पेयर कराना है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखिए, हमने नेशनल चिप का इमेज टूल जो NCIT यहाँ पर लिखा हुआ था वो सॉफ्टवेयर खोल लिया है, और यहाँ से सीधे हम लोड में जाएंगे। और लोड में जाने के बाद आप वही सॉफ्टवेयर के नाम से जो खोल लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी फ़ाइल कौन सी थी दोस्तों, GX6605S, यानी ये वाली फ़ाइल हमें करना है TL6605D में। तो ये वाली फ़ाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये फाइल ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लोगो चेंज, थीम्स वगैरह, ये सारी फाइलें आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स की। ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको की मैप फाइल, तो की मैप फाइल में आप देख रहे होंगे Remote 1, Remote 2। तो यहाँ पर देखिए, ये रिमोट डले हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें अपना एक रिमोट पेयर करा देना है। रिमोट पेयर कराने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वो की मैप फाइल हमने निकाली थी, जो की मैप फाइल यहाँ पर है, तो इस की मैप फाइल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए देखिए, importkeymap.xml यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, importkeymap.xml, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर जो हमारे थे वही फाइल की मैप वाली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ आ गया की मैप चेंज सक्सेस। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे जो रिमोट में जो फाइल थी हमारी ओल्ड वाली, वो न्यू वाले सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ चेंजेस हो चुके हैं,
और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को भूल जाइए, अब कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से सीधे सीधे फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे तो कुछ भी नाम रख दीजिए, जैसे कि मैं रख देता हूँ ओके रिमोट, मतलब हमारा रिमोट ओके हो चुका है। और फाइल कौन सी थी दोस्तों, तो वो फाइल का नाम था GX6605, और नाम से थी, तो आप जो भी टाइप करना है आप अपने अनुसार कर लीजिए। तो याद रखें मैंने ये नाम रख कर इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैंने फाइल आपको बताया था, अब यहाँ पर देख रहे होंगे एक न्यू फाइल बन चुकी है 4 MB की, ओके रिमोट GX6605। अब ये वाली फाइल में दोस्तों TL6605D का रिमोट, याद रखें एक बार और बता देता हूँ, TL6605D का रिमोट इसमें आ चुका है दोस्तों, ओके रिमोट नाम से जो फाइल है इसमें रिमोट आ चुका है, और GX6605 है इसमें रिमोट नहीं है, इसमें पुराना वाला है जो हमें बर नहीं चाहिए, हमें रिमोट अपना वाला चाहिए TL वाला, जिससे कि हम सेटअप चला सकें। तो मैंने इसमें क्या है रिमोट कर दिया है। अब आपको ये सॉफ्टवेयर क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और सेटअप बॉक्स को अपग्रेड कर दें या फिर RS-232 से अपग्रेड कर दें, आपको जिससे मर्जी है उससे सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, जिस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि रिमोट पेयर कैसे कराते हैं, और सारी बातें आपने समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, ऑल कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।